رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. तमाम किस्म की हमद सना किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारक मुतहरा पर जिनका नाम नामी इस्म गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज बतारीख 15 नवंबर सन 2024 ईस्वी के इस खुतबे जुमा में जो जाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक याकूतपुरा हैदराबाद की इस खूबसूरत मस्जिद में देने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, इस खुतबे जुमा का आज का मौजू है सूद की तबाहकारियाँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर किस्म के हराम कामों से बचने और उससे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें रिज़्क़े हलाल कमाने और हलाल रोज़ियों से अपनी ज़िंदगी को सजाने संवारने और अपने आल औलाद को हलाल रोज़ी खिलाने पिलाने की पहनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों और भाइयों, हर शख्स इस बात को जानता है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बरसहा बरस से 1550 बरस से ये बात बबागे दोहल हर मेंबर से, हर स्टेज से, हर जलसे में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर सिंपोजियम में, हर मजलिस में इस बात को हर मुसलमान जानता है कि तकरीबन तकरीबन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं हलाल क्या है और हराम क्या है। उसके बावजूद भी हमें इल्म होने के बावजूद भी, जानकारी हासिल करने के बावजूद भी कि ये चीज़ हराम है, और फिर उस हराम में भी एक बड़े और छोटे हराम, बल्कि यूं समझिए एक सख्त तरीन हराम और एक थोड़ा सा उससे हल्का और खफीफ तरीन हराम, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 90% लोगों को इस बात का पता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई है ताकि हम अपने खून को, अपने जिस्म को, अपने रूह को हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ाओं से तैयार रखें ताकि ये जिस्म जन्नत में जाने के लायक बन सके। एक काश्तकार, एक बागबान फलों को इकट्ठा करता है, अगर वो फल उसे अपने मकामी तौर पर बेचने होते हैं उसकी क्वालिटी अलग करता है, लेकिन उसे उस फल को आला तरीन मकाम पर अगर उसे एक्सपोर्ट करना होता है, किसी बड़े आदमी के घर में पहुंचाना होता है, अगर उन फलों को किसी राजा या महाराजा या बादशाह या नवाब के घर में भेजना होता है, और मौजूदा दौर में मिनिस्टर और वजीर आजम और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरान और बड़े बड़े लोगों की खिदमत में पेश करना होता है, तो जाहिर है उन फलों को वो छांटता है। जो फल आला क्वालिटी के होते हैं, बेहतरीन शक्लो सूरत के होते हैं, अंदर भी जिसका बेहतरीन, बाहर भी जिसका बेहतरीन, और जिसका जायका भी लजीज, और जिसकी रंगत भी खूबसूरत, और जिसका कलर भी शानदार, और जिसकी तरोताजगी भी बेहतरीन होती है, वो बड़े लोगों की खिदमत में उन फलों को वो पेश करता है, कोशिश करता है।
वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा माल वहां पहुंचाया जाए ताकि अच्छी से अच्छी कीमत, अच्छी से अच्छी तारीफें, अच्छी से अच्छी पजीराई, अच्छी से अच्छी मार्केटिंग, अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छा बिजनेस और अच्छे से अच्छे उसके समरात और उसके फल हम हासिल कर सकें, बेहतरीन से बेहतरीन माल हम हासिल कर सकें। एक बागबान की यह जिद्दोजहद होती है, कोशिश होती है, और यही मामला हर ताजिर के साथ होता है। जितने भी तजारत करने वाले लोग हैं, चाहे वो गल्लों की तजारत करने वाले हों, फलों की तजारत करने वाले हों, सोने और जवाहरात और हीरे की तजारत करने वाले हों, गाड़ियों की तजारत करने वाले हों, कपड़े लत्ते जूते चप्पल टोपी सर के पैर से लेकर के सर से लेकर पैर तक जितनी भी जरूरियात हैं उन सब की तजारत करने वाले हों, सबकी ये जिद्दोजहद और कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा माल, अच्छे से अच्छी चीजें अच्छे लोगों तक पहुंचानी है तो आला क्वालिटी और बेहतरीन चीज उसको पहुंचाया जाए। एक मिसाल मैंने दी है, जन्नत में अगर जाना है तो अल्लाह तैयब, इन्नल्लाह तैयबुन ला यक़बलु इल्ला तैयब, अल्लाह पाको साफ है, अल्लाह पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, अच्छी चीजें, अल्लाह सबसे आला है, सबसे अकबर है, सबसे बुलंद है, तो वो अपनी जन्नत में भी उन्हीं लोगों को जगह अता फरमाएगा जो आला होंगे, जो अफजल होंगे, जो बेहतरीन होंगे, जिनकी रूह भी पाकीदा होगी, जिनका जिस्म भी पाकीदा होगा। अमा और तो और दुनिया ही के अंदर देख लो, मस्जिद के अंदर दाखिल होने, नापाक को मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाजत है? मुझे बताओ मुसलमानों, वो नापाकी जो आपको जाहिर भी नहीं हो रही है, अगर आपकी बातनी नापाकी है, यानी जाहिर नहीं हो रही, जिस्म नापाक है, आप बड़ी बड़े हदस यानी बड़ी नापाकी का शिकार है। एक तो होती है छोटी नापाकी, बेवजू होना, लेकिन अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज हो अगर, तो गुस्ल फर्ज होने की सूरत में आप बगैर नहाए धोए मस्जिद के अंदर आ सकते हैं? इजाजत है? हर कितनी इजाजत? अल्लाह के इसी दुनिया का फैसला आप कबूल करो कि छोटी छोटी जो हादसे होते हैं वजू टूटने के, उन नवाखिदे वजू छोटी छोटी जो चीजें हैं, चलो उनके लिए तो फिर भी अफजल यह है कि वजू बना के मस्जिद के अंदर आए, और जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो दो रकात नमाज पढ़ करके वो बैठे, अगर उसे बैठने की नीयत है तो अगर छोटे हदस हो जाते हैं, छोटी नापाकी हो जाती है, तब भी बेहतर यही है कि वजू बना के मस्जिद में आए, लेकिन अगर वो बड़ी नापाकी उसके अंदर है तो बगैर नहाए हुए वो मस्जिद के अंदर दाखिले की उसको इजाजत नहीं है, वो दाखिल नहीं हो सकता, हराम है उसके लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अजीजाने किरामी, दुनिया में एक मिसाल रोजाना के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जाने के लिए जो अल्लाह ने तैयार कर रखी है मोमिनों के लिए, फफिरु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ पढ़ो, दौड़ो उस जन्नत के लिए, कोशिश करो, जिद्दोजहद करो। वह इद्दत लिलमुत्तकीन, जिसे अल्लाह ताला ने परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखा है। अब बताएं आप, जब एक दुनिया के अंदर एक मिसाल के जरिए आपको 24 घंटे बताया जा रहा है कि नापाक आदमी मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, नापाक आदमी मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, हरम पाक के अंदर भी कोई काफिर कोई मुशरिक दाखिल हो सकता, मक्का मुकर्रमा के अंदर जो काफिर और मुशरिक का कोई दाखिल हो सकता है, भले वो एक दफा नहीं 10 दफा गंगा नहाए, जिंदगी भर नहाए, एक मैल का, आपसे बेहतरीन कपड़े, आपसे बेहतरीन लिबास, आपसे बेहतरीन खाने खा करके आए, बेहतरीन ओहदे, बेहतरीन मुल्क, बड़े बड़े मुल्कों का सरबराह क्यों ना हो, हुक्मरान क्यों ना हो, बहुत बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, हसीनो जमील ना हो, हर चीज में वो सबसे आला हो, लेकिन अगर वो काफिर है, उसके मुशरिक है, तो वो हरम मक्का के अंदर दाखिल हो सकता? बोलो, सोच लो, मतलब क्या है? इस्लाम को दोनों चीजें मतलूब है, दोनों की तहारत मतलूब है, जिस्मानी तहारत भी मतलूब है और रूहानी तहारत और पाकीज़गी भी मतलूब है, रूह भी पाकीज़ा होनी चाहिए। इन्नमल मुशरिकून नजिसुन, अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिकीन नजिस हैं, पलीद हैं, नापाक हैं, मलिच्छ हैं। फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम, तो फिर उसके बाद आज के बाद से मस्जिद हराम के करीब नहीं जा सकते। मस्जिद में दाखिल होना, खाने काबा में दाखिल होना बड़ी दूर की बात रही, वो मस्जिद हरम, हरम के भी करीब नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और हिंदुस्तान में खास तौर से ये गुलाम इब्नुल गुलाम बहुत चीखते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, आप हमें मक्का जाने दें, मक्के के अंदर जाने दें, हरम में जाने दें, हम आपको अपने मूर्तियों, अपने देवी देवताओं के मेलों और ठेलों के अंदर दुकान लगाने की इजाजत दे देंगे। इलाहाबाद में अभी कुछ दिन बाद
कुंभ का मेला लगने वाला है, 40-50 लाख लोग, 25-30 हजार लाख जमा होते हैं। आज से ही आतंकवादियत मचाई जा रही है, शोर और हंगामे हो रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, अगर वो यहां दुकान लगाएंगे तो हम मक्का मदीना में लगाएंगे। कहां की ईंट कहां का तोड़ा, भानमती से रिश्ता जोड़ा। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। ये वो बेअकल हैं, वो बेवतीरा और बेतहजीब और दहशतगर्द ज़हनियत के परवरदा नजिस और नापाक और पलीद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें और इस तरह की जुबानें हमारे भारत के अंदर आतंकवादियत को और नफरत को, फिरकावारियत को और बाहमी अदावत को पैदा करने के लिए इस तरह के जुमले बयान करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारी मस्जिदें भरी पड़ी हैं, हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, रमजान मुबारक का महीना आता है, जो महीना भर हम सबकी दुकानों से सामान खरीदते हैं। हम ये तफरीक नहीं करते कि कोई मुसलमान की दुकान है या किसी काफिर की दुकान है या किसी हिंदू की दुकान है। महीने भर सिर्फ मुसलमान ही नहीं फायदा उठाता है बल्कि गैर मुसलमान के घर जनाबे अली भर जाते हैं रमजान मुबारक के अंदर खरीदारी करने से। ये मुसलमान अपनी जिंदगी की कीमती कमाइयां रमजान मुबारक में खिलाता है, पिलाता है, जकात देता है, सदका देता है, कपड़े बांटता है, चप्पल बांटता है, हर चीज दूसरों तक तकसीम करता है, अपनी गाढ़ी कमाइयां खर्च करता है। क्या सारे हैदराबाद या सारे भारत की दुकानें मुसलमानों की दुकानें होती हैं? अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे खबीज ज़हनियत रखने वालों पर, और अल्लाह इनके वजूद से हमारे भारत को पापा को साफ फरमाए। बोलो आमीन। मुनाफरत फैलाते हैं, गरज कहने की मैंने मिसाल दी है कि अब मेडकी को भी जुकाम होने लगे, वो भी चली नाल ठोकाने के लिए मक्का मुकर्रमा, उसकी तहारत और उसकी पाकीदगी। अमा जाओ सऊदी अरब से लड़ो भाई, हम अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हम अपनी मस्जिदों के अंदर, हम अपनी मस्जिदों के दरवाजों पर तुम्हारे लिए हम अपनी मस्जिदें भी खोल रहे हैं। आओ ना, बैठो ना, हमारी तकरीरें सुनो, जुमे के खुतबे सुनो, हमारे दरसों मुहादरात सुनो। हमने कभी अल्लाह के घर से तुम्हें मना, किसी भी काफिर को मना? बोलो क्या किया? हरगिज नहीं किया है ना, हम करते हैं। हम बाहर तो बाहर, हम अंदर भी आने से मना नहीं करते, बल्कि हम तो दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें मस्जिद का दरवाजा दिखाए, अल्लाह तुम्हें मस्जिद में लाए, हमारी तकरीरें सुनो, हमारी तहरीरें पढ़ो, हमारे वाजो नसीहत सुनो, हमारी बातें सुनो। पता नहीं अल्लाह ताला कब तुम्हें ईमान की दौलत से मालामाल कर दे, तुम्हारे मुकद्दर का सितारा चमक जाए और कब तुम अल्लाह की नेमतों से फैजियाब हो जाओ। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारी चाहत है। हम तो नहीं चाहते कि तुम हमसे भागो, हम तुम्हें भागने भी देना नहीं चाहते, हम तो तुम्हें अपने गले लगाना चाहते। आओ ना, आओ, हमारी मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, बैठो, सुनो, जुमे के खुतबा सुनो, बस पढ़ो नमाज, जब दिल में आए तो पढ़ लेना। यही कैद लगा देते हैं, तेरा पाप पवित्र हो गया हो, पाक साफ हो गया हो, गंदगी लपेट कर, नजासत लपेट कर ना हो, भले तुम्हारा दिल मलिच्छ है, अल्लाह जानता है। यह हुक्म सिर्फ खाने काबा के लिए है कि उसमें दाखिल नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब यह है, मैंने मिसाल दी और हालात को भी समझने के लिए मैंने ये बात, ये जहन दी है आपको, और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रहते हैं इसलिए उसका जवाब भी आपको समझाया है कि ये जहनियत पनप रही है, पल रही है। नौजवानों, बुजुर्गों, आप भी अपने दिमाग में रखो, अपने दिलों को वसी करो। आग से आग नहीं बुझाई जाती है, आग से आग नहीं बुझाई जाती है। इन अंगारों को, इन नफरत के शोलों को अगर मिटाना है तो इस्लाम के टॉलरेंस, इस्लाम के मुसावात, समानता, मुसावात और बराबरी और अमन शांति का पैगाम का लेकर, और इस पैगाम का समंदर लेकर मोहब्बतों का, इन आगों में कूद पड़ो, इन शोलों को बुझाओ। यही मुसलमान का वतीरा है और यही भारत की का मुकद्दर है और यही भारत के अंदर अमन शांति लाने का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बात समझ में आ रही अजीजान मोहतरम? खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला की यहां सबसे पहले दिल देखा जाता है। उसके दर के भी हैं अजब आदाब, उसके दर के भी हैं अजब आदाब, पहले दिल बाद में सर रखिए, पहले दिल बाद में। इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर है। नियत सच्ची है तो मस्जिद के अंदर आपका दाखिला, आपकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक है तो अता फरमाएगा, और अगर नीयत गंदी है, आप खुशबू में नहा करके आ जाएं इस मस्जिद के अंदर, एक सजदा नहीं 72 सजदे कर लें, फिर भी आपकी इबादत अल्लाह के यहां काबिले कबूल। याद रखो, उसके दर के भी हैं अजब आदाब, पहले दिल बाद में सर रखिए। अल्लाह को मतलूब है वो जिस्म जो हराम खोरियों से महफूज हो, हराम खोरियों की गलाजतों, नापाकियों, आलाइशों, गंदगियों से पाको साफ हो,
कपड़ा भी, जिस्म भी, खून भी, गोश्त भी, पोश्त भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो खून, वो गोश्त, वो पोश्त जो हराम चीजों से बनता हो वो जहन्नम में जाने के ज्यादा बेहतर और लायक है। तो रूह की पाकीजगी भी होनी चाहिए और जिस्म की भी पाकीजगी इस्लाम को मतलूब है। मैंने मिसाल दी आपको, जिस्म पाक और साफ है लेकिन रूह अगर मलिच्छ है, गंदी है, नजिस है, मुशरिका है, वो रूह अपने जिस्म के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो सकती नहीं। तो जन्नत, जन्नत अल्लाह के का पसंदीदा अल्लाह की जगह है जिसे अल्लाह ने परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए बनाई है। उसमें दाखिले के लिए अगर जन्नत में जाना है तो अपने रूह को भी पाकीदा करना पड़ेगा और अपने जिस्म को भी पाकीदा करना पड़ेगा। इन अल्लाह ला यंदुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल यंदुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। नबी कायनात ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी शक्ल और सूरतों को नहीं देखता, न तुम्हारे मालो दौलत को देखता है कि तुम कितने बड़े सेठ हो, कितने बड़े लीडर हो, कितने बड़े जज हो, कितने बड़े एसपी ऑफिसर हो, कितने बड़े कुछ भी हो, अल्लामा हो, कितने बड़े फुल्लामा हो, कितने बड़े मुहद्दिस हो, कितने बड़े कुछ भी हो, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तुम्हारे दिल को देखता है। तुम्हारा दिल क्या है, दिल पाको साफ है कि नहीं, तुम्हारी शक्लों सूरतों को नहीं, तुमने टोपियां कैसी लगाई, तुमने जुब्बे खुब्बे कैसे पहने, तुमने पगड़ियां कैसी बांधी, तुमने ऊंची टोपी लगाई या छोटी टोपी लगाई। टोपियों से भी आज मुसलमानों को पहचाना जाता है, नहीं सही बता रहा हूं आपको। हमारे देश के किसी लीडर ने कहा था कपड़ों से पहचान होती है, कपड़ों से पहचान हो, ये बात तो हमारे मुसलमानों में बहुत पहले से है। टोपियों से पहचान लगाई जाती है कि ये किस फिरके का आदमी है, किस जमात का आदमी है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, बोलो आमीन। और लोगों ने पहचान बनाई हुई है कौन सी टोपी कौन लगाता है, कौन सी टोपी कौन लगाता है, कौन सी टोपी कौन लगाना चाहिए, ये टोपी फलाने सिलसिले की है, ये टोपी कादरियत की है, ये टोपी नक्शबंदियत पहचान, ये टोपी शहरवर्दियत की पहचान है, ये टोपी मदनी ग्रुप की पहचान है, ये कोई फलाने ग्रुप की पहचान है, ये मक्की ग्रुप की पहचान है, ये फलाने डी ग्रुप की पहचान है, ये बी ग्रुप की बाकायदे इसमें भी पूरा घोल मेल मुसलमानों, ये हिंदुस्तान के अंदर डुप्लीकेट माल हर जगह चलता है, वर्जिनल नहीं। अरबों को देखो, एक ही लिबास है, एक ही चीज है, हैं? एक जुब्बा है, कुर्ता है, एक टोपी है, कि यही पर पहन के चलते हैं बस। अमीर हो कि गरीब हो, कि मौलाना हो कि आलिम हो कि फादिल, जो लोग यहाँ तो कसरत के साथ लोग सऊदी अरब से आए हुए लोग लौटे, सब जानते हैं, सब लाल गुदरे शमाख पहने हुए आगे पीछे चलते रहते, एक ही लिबास में सब रहते हैं। और हमारे यहाँ उसकी तो गाड़ियां भी अलग होती हैं, उसकी तो टोपियां भी अलग होती हैं, है कि नहीं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर न रहो, कि पढ़िए नमाज तो वजू गंगो जमन से हो, और राजी रहे खुदा तो ब्राह्मण को गम ना हो। यहां भी सर झुकाओ, वहां भी सर झुकाओ, है कि नहीं। यह है मुसलमानी, किस लिए, चंद सिक्के हासिल करने के लिए, चंद ओहदे और मनसब हासिल करने के लिए लोगों ने वो शोबदेबादियां शुरू की हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जुबां पे अमन के नगमे हैं, दिल जहन्नम है। तो हराम खोरी, कितनी लंबी दाढ़ी रख लो और कितने लंबे चौगे और नमाजों के घट्ठे पेशानियों पे सजा लो, और आशिक़ रसूल और इश्क़ रसूल और इश्क़ औलिया जाके माथे रगड़ रगड़ के हड्डियां रगड़ लो। अगर हराम खा रहे हो ना,
तो याद रखो जहन्नम में तो जाना पड़ेगा। और इस हराम की बहुत सारी सूरतें और शक्लें हैं। आज का खुतबा एक सूरत और एक शक्ल के बारे में है बस। और आप सोच रहे होंगे कि रब्बानी साहब का मौजूद तो कुछ और है, जा कहीं और रहे। असल बात क्या है मैं समझ रहा हूं, आपकी दिली कैफियत जहनी कैफियत मैं समझ रहा हूं, लेकिन आया राचे बया सूरज निकला हुआ है। अब मैं कहूं सूरज निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ, सूरज निकला हुआ, धूप आई हुई, बेवकूफ आदमी है तो हम भी जानते हैं सूरज निकला हुआ है, सूरज निकलेगा तो धूप आएगी, उजाला होगा, अंधेरा मिटेगा, ये तो सबको पता है। आपको भी पता है सूद नहीं खाना चाहिए। एक दफा नहीं, मैंने बताया ना 1500 बरस से सुन सुन के ये कान पक गए, लेकिन हाथ और दिल अभी तक इसके कायल नहीं हुए। और मैं ये तो जानता हूं कि आप जानते हो, चंद चीजें हैं वो मैं बताना है, मुझे ये नहीं बताना है सूद हराम है। आपको पता है सूद हराम है, मुझे इसकी थोड़ी सी आपको हिंट देनी है ऐसी जो आपके दिलों को छू जाए, आपके जहनो दिमाग तक ये बात भले कहते ना कि इतनी ना हो सके असरपदी, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाए कि कम से कम दिलों को आपको छू जाए। और कोई भी एक शख्स आज से ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में सूद तो सूद है, कोई भी हराम चीज भी ना खुद खाएंगे ना अपनी आल औलाद को खिलाएंगे, ये अहद कर लेगा ना, ये खुतबा कामयाब है, ये चीज कामयाब। आपको पता है सूद हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 12 मकामात पर 12 आयतों में सूद की के बारे में बयान किया है। शायद आपको यह ना मालूम हो, एक नई चीज बता दी हमने। सबसे पहली आयत मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सूरह रूम के अंदर उतारी गई सूद के ताल्लुक से, जिसमें सूद को हराम नहीं करा गया बल्कि यह बताया गया लोगों को कि ऐ लोगों जो तुम सूद खाते हो या सूद लेते हो, इस सूद को अल्लाह तबारक व तआला इसमें कोई बरकत नहीं अता फरमाएगा, बल्कि जकात वगैरह सदकात वगैरह अल्लाह की राह में दोगे तो उसमें अल्लाह बरकत देगा। ये अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह का एक तरीका है, और यही तरीका हर आलिम को, हर मौलवी को, हर इमाम को, हर खतीब को, हर दाई को, हर मुबल्लिग को भी अपनाना चाहिए। पहले जहन साजी होती है, जहन को तैयार किया जाता है। एक आदमी शराब पी रहा है बैठ करके बोतल लिए हुए, आप पहुंचे, आपने थप्पड़ मारा, अबे शराब इधर ला, शराब आ रहा हूं, थप्पड़, उसको गुस्सा नहीं आएगा। अगर उसने बोतल नहीं छोड़ी तो बोतल ही खींच के आपको मारेगा, भाई चलो मैं नहीं छोड़ता, तेरे बाप का पी रहा हूं, अपना पी रहा हूं। पहले उसको समझाओ, पहले उसको प्यार से मोहब्बत से उसके नुकसान बताओ, किसके नुकसान क्या हैं, इससे क्या क्या खराबियां पैदा होती हैं तुम्हारे अंदर। लोग गुटखा पान तंबाकू खा रहे हैं, बल्कि अब तो अब क्या जमाने से उलमा भी खा रहे हैं, शेखुल हदीस हैं, तकरीर करने भी जा रहे हैं, तो आपके मसनद और आपके गलीचे और आपके टेबल और डेस्क के साथ साथ पीक दान भी बगल में ओगलदान भी जा रहा है। आप भी शरीफ हैं, आपका ओगलदान भी शरीफ है, नालेने मुबारक है, नालेने मुबारक है, नालेने शरीफ है, नालेन भी शरीफ है भाई। आप सिर्फ मक्का मदीना शरीफ है, नालेन भी शरीफ है, लोगों ने तो बाकायदे उसकी पूजा भी शुरू करी हुई है। हाँ, पेपरों में नालेन के नक्शे बनाकर उसको पूजते हैं, उसको बाकायदे उसको 11 मरतबा आगे पीछे दरूद, 11 मरतबा पीछे दरूद उसको पढ़ के उसका फातिहा करो, रात के अंदर इतना ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो मिलेगा, अगरबत्तियां सुलवाओ, लोबान सुखाओ, ऊदबत्तियां लगाओ, बाकायदे नालायन का नक्शा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का और उसको सामने रख करके ये पढ़ो ये पढ़ो। और ताज्जुब तो यह है कि इस आयत का हकीम उम्मत अपनी किताब के अंदर ये बात लिखा हुआ है, ताज्जुब की बात। और अब तो बाकायदे लोगों ने इमामों के ऊपर लगाए हुए हैं नक्शे। एक मौलवी कुछ दिनों पहले पकड़ा गया था, 5-6 महीने जेल में रह करके निकला है, बड़े अमामे मामे बाप का लप्पे जुब्बे उसके हैं, यहां भी बाकायदे नालेन के नक्शे लगाया हुआ है, यहां भी नालेन के नक्शे लगाया हुआ है, अमामों में पगड़ियों में, अब तो टोपियों के ऊपर भी नालेन नक्शे बना बना करके लोग उसको बाबरकत समझ रहे हैं, और जितना लगाते हैं उतने ही जूते खा रहे हैं, और जूते पड़ रहे हैं, और जूते पड़ रहे हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है जो तुम प्रपोज कर रहे हो,
کون سا عشق محبت کا یہ طریقہ ہے بتاؤ مجھے؟ نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہو اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں بدعتیں ایجاد کرتے ہو اور کہتے ہو نبی سے محبت ہے، تمہارے جیسا بے شرم اور بے غیرت مسلمان تو نہ پیدا ہوا تھا نہ شاید اگلی امتوں میں کوئی پیدا ہو، یا اس سے بھی بدترین لوگ پیدا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ اس سے اپنے جسم کو اپنی روح کو پاکیزہ کرو۔ شراب کی مختلف قسمیں مختلف انداز سے، سب جانتے ہیں کہ تمباکو کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، سگریٹ پینے سے کینسر پیدا اس میں جتنے بھی ہمارے سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، خود کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، خود کو کتاب و سنت کا دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اوغلدان پیزدان بھی اب حضرت کے ساتھ ساتھ مولا فقیہ امت بھی ہیں، خیر الاثر بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ تمباکو پینا کھانا حرام ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ لاکھ چلاتے رہو حرام ہے حرام ہے، کون مانتا ہے تمہاری بات کو؟ لیکن اگر اسی تمباکو کے زہر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اسی تمباکو کے کینسر کو پیش کریں، اور ان غریبوں کو سوچیں جن غریبوں کے باپ تمباکو اور بیڑی پی پی کر کینسر کے بستروں پر ہاسپٹلوں کے اندر موجود ہیں، اور پانچ دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ تیس تیس لاکھ کا ڈیمانڈ ڈاکٹر کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس دس لاکھ تو بڑی چوز ہوگی، دس ہزار دس سو روپے موجود نہیں ہیں، وہ سسکتے بلکتے باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں کل کو ہماری یہ اگر حالت ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں۔ ایک بیڑی پینے والا خود کو اپنے آپ کو شانت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی پی رہے ہیں ہم، کیا کریں، بہت ٹینشن ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اس لیے پی رہے ہیں۔ لیکن وہی سگریٹ پینے والا اپنے بھائی کی شادی میں بھی پی رہا ہے، اپنے بہن کی بھی شادی میں پی رہا ہے، وہاں پوچھو تو کہہ رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے، آج میرے بھائی کی شادی ہے، میرے دوست کی شادی ہے، اس خوشی میں پی رہے ہیں۔ یہ ظالم دونوں شکلوں میں پوچھتے بھی اس کی پٹویر کی دونوں صورتوں میں پیتا ہے، پینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بدلانے کی ضرورت ہے کہ سگریٹ پینے سے صرف اسی کا یہ ہارٹ، اس کا گفٹ جو اللہ نے اسے کلیجے اور دل کی شکل میں دیا ہے، جسے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، وہ کس صورت میں پیش کرے گا؟ صرف وہ اسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سگریٹ پینے والا جب دھواں اپنے ساتھیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں ڈالتا ہے، تو اس دھوئیں سے نہ صرف یہ کہ اس کو کینسر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کینسر وہ ننا منا بچہ جو ابھی دو دن کا ہے، پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی اس کی ناک میں جا رہا ہے۔ وہ خبیث انسان خود بھی مر رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی مار رہا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کینسر کا مریض بنا رہا ہے۔ یہ بتلانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، خود سگریٹ پہ بھی پیکٹ پہ لکھا ہوا، گٹکے کے اوپر لکھا ہوا، سب جگہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے باوجود بھی پیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہیوں کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہودی پروڈکشن روک دیا جائے، کوکو کولا نہ پیا جائے، پیپسی نہ پی جائے، ہے چلتے ہیں نا، یہ پروڈکشن کو روکے گا؟ دشمنوں کی بڑی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ مودی جی نے کہا ہے گٹکا کھاؤ، مودی جی نے کہا ہے کہ سگریٹ پیو، بولو کس نے کہا ہے؟ جھوٹے ہو، ہم جھوٹے ہیں، ہم منافق، ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ہم ان حرام چیزوں سے بچنا نہیں چاہتے، ہم سود کی لعنتوں سے نکلنا نہیں چاہتے، جس کی لعنت کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَذَنُوا حَرْبًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے اگر اس سے وہ باز نہیں رہتا، اگر آج سے سننے کے بعد، جانتے ہو آپ، لیکن اس کی خطرناکیاں، اس کی تباہیوں کا پتہ آپ کو نہیں ہے، یہ سود کھانے والے آج جو کہہ رہے ہو نا، ہماری بیوی نہیں مانتی، ہمارا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے، ہماری اولاد نافرمان، گھر گھر کے اندر فتنے ہو گئے، بے پردگی ہو گئی، ہمارا بیٹا موبائلوں کے اندر لگا رہتا ہے، ہماری بیٹی بھاگ گئی، کسی کے ساتھ چلی گئی، مختلف فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں،
मैं ये नहीं कहता उसका सबब सिर्फ सूद ही है, और भी बहुत सारे असबाब और एलल हो सकते हैं, रीजन और कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका एक बुनियादी सबब यह भी है कि हम अपने आप पे गौर करें कहीं हमारे गिजाओं में कहीं हराम की मिलावट तो नहीं है। वो खुराक जो हम ले रहे हैं कहीं उसके अंदर तो हराम चीज नहीं मिल रहा है। और ये रियल इस्टेट करने वाले, खैर ये तो शक्लें में बाद में मौका मिला तो कभी बताऊंगा। और सूद की कई शक्लें कई सूरतें, खतरनाक सूरतें थी जो अरब में गाइश थी, जिसे कुरान ने चार मरहलों में कुरान ने उसको हराम करार दिया। सूरह रूम में पहला मरहला आया जिसमें अल्लाह ने फरमाया ऐसा ना करो, मैं ऐसा नहीं करता सूद के माल को। दूसरा मरहला आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा के अंदर जिक्र फरमाया कि अल्लाह सूद को मिटाता है। उसके अंदर यह कहा गया कि सूद जो है क्या कहते हैं, लता कुल रिबा अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, सूद को दुगना दर दुगना करके ना खाओ। सूद को दुगना दर दुगना, वो क्या थी शक्ल मालूम अरबों में, आपने किसी से सूद पे कर्ज पे सूद लिया, 1,000 रुपया लिया और ये कहा कि 100 रुपये सूद के एक महीने में दे देंगे। अब एक महीने में नहीं दिया आपने, दूसरे महीने में तो 1,200 देना पड़ेगा, वो 1,100 के बजाय आपको 1,200 देना पड़ेगा, फिर अगले महीने 12 को 13 में 1,300 देना, बढ़ता रहेगा अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा दुगना तिगुना। ये दूसरा मरहला था, अल्लाह ने मना फरमाया ना खाओ। तीसरे मरहले में अल्लाह तबारक तआला ने इसमें भी क्लियर हराम नहीं करार दिया। तीसरे मरहला यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। एक जहन साजी हो रही, सूद को मिटाता है मतलब, यानी जो लोग सूद से लोन से बैंक से लेने हो या कर्ज लेने हो किसी से भी, या बनिए से या बकाल से या सेठ से या वजीर से या मिनिस्टर से या बैंक से, जिस अंदाज का भी सूद ले करके अपने घर को बनाते हैं, ईद करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, लड़कियां ब्याहते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, होम लोन हो, फलान लोन हो, ढका लोन हो, जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक आवारा लड़की की तरह खुद को नंगा करके खड़ा कर दिया है कि जिस तरफ से भी चाहो उसे यूज करो, ऐसे ही गवर्नमेंट ने और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सूद को एकदम नंगा करके आपके सामने रखा हुआ, रिझा रहे हैं, ललचा रहे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मोबाइल, वो बेबी, वो फला, ऐश करो, ऐशी करो, ये बिल्कुल नंगी लड़की की तरह से सूद खड़ा हुआ है। ये फितरे, ये तमाम शक्लें सूरतें जो हैं अजीजाने गिरामी खत्म, जिस अंदाज से भी सूद ले रहे हो आप खा रहे हो, अल्लाह फरमाता यमहकुल्लाहु रिबा, उस सूद को अल्लाह मिटा देता है, यानी वो आपके काम का नहीं होता है। आप सोचते हो ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद लेने वाला बता ही ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका माल बहुत थोड़ा है, क्यों उसको उसको फायदा नहीं, वो गुनाहों में लज्जत है, गुनाह अलग से, और वो माल भी खत्म हो जाता है, मिट जाता है, बर्बाद कर दिया देता अल्लाह ताला, और या उसके माल में बरकत ही नहीं होती, वो दुनिया में भी अदा पाता है आखिरत में भी अदा पाएगा, उससे कभी फायदा नहीं होता सूद के माल से। जाहिरी तौर पर बड़ी बिल्डिंग बना ली सूद से, तो ये बड़ा जनाब अली ये बहुत बड़ा लॉर्ड लैंड हो गया, सूद से अपने फला कर लिया, सूद से अपने फला कर लिया, लेकिन उसमें कोई फायदा उसको, वो एक दिन कहीं फ्रैक्चर हुआ तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर के नाम पे जो डाकू बैठे हुए हैं मादरत के साथ, मादरत के साथ, आप नहीं होंगे उसमें से, अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए, 10 रुपए की गोली 10,000 में जो बेचते हैं, मरते हुए आदमी की कीमत लगा करके करोड़ों लूटते हैं, जो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह उनके शर और फितरे से ऐसे डॉक्टरों के वजूद से अल्लाह ताला दुनिया को महफूज रखे। हर जगह फितना, हर जगह करप्शन, हर जगह किस किस को रोए रोए हम, ये मेंबर है ना, ये मेंबर, इसकी भी फितना है, ये फितने की जगह है, यहां भी फितना फैल करके लोगों को कब्र परस्ती शिर्क कुफ्र की दावत दी जा रही, ये भी फितना है हर जगह। यहूद और नसारा के प्रोडक्शन बंद करा रहे हो, सबसे पहले अपने यहूद और नसारा के जो मखबली दीन के मखमली टुकड़ों में लपेट कर जो यहूदियत और नसरानियत तुम्हारे अंदर पोस्ट की जा रही है और इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पहले उससे तो ही बचो, खाने और पीने के ऊपर पाबंदी लगाओ और बकिया हर चीज मनो सलवा समझ करके हड़प करते रहो। किसने
ने कहा था आपको? यहूदियों ने कहा जहेज मत लो, और जहेज लो, जहेज ले लेकर के शादियां करो। यहूदियों ने कहा था जहेज लो, यहूदियों की शादियां ऐसे तो नहीं होती जैसे हमारी और तुम्हारी होती है। लाखों लाखों रुपए तुमने इन जलील बदमाश लोगों के हाथों, बड़े बड़े शादी महल और बड़े बड़े फंक्शन, क्या कहते हैं उसको, हाल और मुख्तलिफ वैरायटीज के खाने पकाने, ये वो, कब 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 बेदार होगी तुम? कब कब इन पैसों को अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल और बेहतरीन तालीम के लिए इस्तेमाल करोगे? कब अपने मुल्क के अंदर खड़े होगे कि हम भी हैं तुम्हारी, हम अपनी सफा में, हमने ये यूनिवर्सिटीज बनाई, ये कॉलेज बनाए, ये हॉस्पिटल्स बनाए, ये लॉ कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है, ये फलानी यूनिवर्सिटी, ये फलानी लड़की, ये गर्ल यूनिवर्सिटी, ये गर्ल कॉलेज है, बाहिजाब हमारी लड़कियां कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के चैलेंजों का मुकाबला करेंगी। कब तुम्हारे ये जहन्नम भरेंगे पहले? फिर मैं आया हूं दिल्ली से भी, रात को मैं पहुंचा हूं इसी खुतबे के लिए, रात का मैंने सफर किया मैंने, हालांकि दो तीन प्रोग्राम और थे मेरे, लेकिन ये वादा था कि मुझे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में जाना है। रात को मैं तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली से पहुंचा हूं। शादियों का वहां जो बुरा हाल है, अल्लाह अकबर, अस्तगफरुल्लाह, अस्तगफरुल्लाह, कुफर को भी शर्म आवे। हम उधर से एक शहर में जा रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उस शहर के करीब ही पहुंचे, दिल्ली से 50-70 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रोग्राम था। रास्तों के ऊपर वो पटाखे, वो बाजे, वो मजीरे, वो म्यूजिक, वो टेक्स। मैंने पूछा कि ये गिरी काफिर की क्या है ये? बोले ये मुसलमान फलाने सेठ है, उनके उनकी बेटी की बारात जा रही है। मैं भी उस शादी में मधु था, मधु मैं नहीं था, जिसके घर गया था वो भी मधु थे, पूरा घराना मधु था। ना जाए तो खाना ना मिले, लेकिन मेरी नीयत ये थी जाके देखें तो सही अंदर क्या होता है। तो गया मैं, अल्लाह 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 अल्लाह, तुम यहूदियत को बुरा भला कहते हो? एक टेबल पर यहूदियत प्रोटेक्शन के बारे में सवाल हुआ। मैंने कहा पहले ये प्रोटेक्शन बंद करवाओ, ये यहूदियत से कम प्रोटेक्शन है जो आप कर रहे हो बैठ करके। पेप्सी कोला बंद करने से तुम क्या समझते हो? ये हाल है हमारा, हम मुनाफिक बन चुके हैं। अजीजाने मोहतरम, तबाहियां माँ घर घर में फितने, ये सूद की तबाहकारियां हैं, हिलाकतें हैं। जिस घर में माँ से जिना होगा, जिस घर में माँ से जिना होगी, बताओ वो घर के अंदर अमन पैदा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना के 70 बड़े बड़े गुनाह हैं, सबसे कमतरीन गुनाह सूद का। सूद के 70 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसका सबसे कमतरीन और छोटा गुनाह यह है कि आदमी अपनी सगी मां से जिना करे, बलात्कार करे। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि सूद के अंदर घाटा ही घाटा है, कोई फायदा नहीं, इसलिए सूद मत खाओ, तौबा करो उससे, हलाल खाओ। नबियों को कहा या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबात, ऐ रसूलो पाक चीजें खाओ, वअमिलु सालिहात और नेक आमाल करो। रसूल कौन होते हैं? हमारी तुम्हारी तरह होते हैं। रसूल वो होते हैं जो मासूम होते हैं, शिर्क कुफर हराम चीजों से दूर होते हैं। अजीजाने गिरामी कद्र, इसलिए इस बंदे नाचीज की दरखास्त, सबसे पहले नसीहत अपने लिए, फिर आप सबके लिए, अल्लाह के लिए, सूद से तौबा करो, कम अज कम इस बीमारी से पाको साफ, जो हो गया तौबा करो। अब आइंदा के लिए ये अहद करो कि इंशा अल्लाह तबारक वाला सूद से हम निजात हासिल करेंगे, इंशा अल्लाह तबारक वाला। हर वो चीज मसाइल है, उलमा से पूछो, हर वो चीज जिसमें सूदी कारोबार हो, सूदी कंपनीज हो, सूदी चीजें हो, उससे दूर रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिरहम सूद का उसका गुनाह यह है कि आदमी 36 दफा जिना करे। एक दिरहम सूद का क्या है? 36 दफा जिना करने से भी बदतर है। अल्लाह हम सब कुछ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सूद की इन तबाहियों और हिलाकतों से
अल्लाह हम सबको बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बारक अल्लाहु तआला वनकुम फिल कुरान अजीम व नफ़ानी वैयाकुम बिल आयात वज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम।